मुंबई में शरद और उद्धव ठाकरे से ममता बनर्जी ने मुलाकात की है। एनडीए सरकार को लेकर बड़ा दावा किया, कहा कि सरकार में स्टेबिलिटी की कमी है और कभी भी गिर सकती है एनडीए की सरकार। ममता बनर्जी का यह बयान सामने आया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। लोकसभा इंतखाब के नतीजों के ऐलान के बाद पहली मुलाकात शरद पवार और उद्धव ठाकरे से करने के लिए पहुंची है ममता बनर्जी। इस वक्त मुंबई में मौजूद है और एनडीए सरकार को लेकर एक बड़ा दावा उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि सरकार स्टेबल नहीं है और कभी भी गिर सकती है एनडीए की सरकार। ममता बनर्जी पहले दिन से ही मोदी सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आ रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को भी वो कई बार निशाने पर ले चुकी हैं और कहा गया कि वो आवाम की पसंद नहीं है। ऐसे में एनडीए की सरकार जो इस वक्त चल रही है उसे भी इनस्टेबल सरकार उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि स्टेबिलिटी की कमी है और कभी भी इस वजह से सरकार गिर सकती है। ये तस्वीरें मुलाकात की, उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे से मुलाकात की और उसके बाद शरद पवार से भी मिली ममता बनर्जी। May not continue also. It is not stable government, unstable government. कैसे stable है? आप समझो मेरे को। क्या नीतीश जी से या चंद्रबाबू नायडू से? नहीं 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 प्लीज मेहरबानी करके हम किसी को खिलाफ में कुछ नहीं कहने चाहती। टेबल में भी नहीं, खिलाफ में भी नहीं। दीदी इस बार खेला होगा क्या? खेला होगा क्या इस बार? खेला तो शुरू हो गया, चलते रहेगा।